हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे किचन वेस्ट से खाद कैसे बनाएं, वो भी आसान तरीके से। इस गमले गमले खाली गमला ले लिया हमने, इसके नीचे सुराख है, उसके ऊपर ये पत्थर या का कोई टुकड़ा रख देंगे जिससे पानी इसके अंदर से चला जाए, निकल जाए एक्स्ट्रा, और मिट्टी या कुछ ऐसा इसके अंदर ना अटके। उसके बाद हम इसमें मिट्टी डाल लेंगे थोड़ी सी। मिट्टी क्या बायोएंजाइम है, नेचुरल बायोएंजाइम, ये डिकम्पोज अच्छे तरीके से कर देगी। थोड़ी सी मिट्टी डाल दी हमने इसके अंदर। अब इसके अंदर हम थोड़े से पत्ते डाल लेंगे, पत्ते इसमें नाइट्रोजन का काम करेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो किसी बड़े पेड़ के नीचे से पत्ते उठाएं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इसकी एक लेयर अब इसके ऊपर तो बिछा देंगे, देख सकते हैं आप, प्लास्टिक के रैपर या कुछ भी निकाल दें क्योंकि ये डिकम्पोजिशन स्लो करते हैं स्लो। इसके बाद हम अपना किचन वेस्ट डाल लेंगे इसके अंदर। उसके बाद दोबारा पत्ते डालेंगे थोड़े ही, इसकी लेयर बना देंगे। इसके बाद गोबर की खाद थोड़ी सी, अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो पत्ते और मिट्टी से भी काम चल सकता है। थोड़ी आप डाल दें, तोड़ तोड़ के डाल दें थोड़े टुकड़े छोटे करके। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी, और अब आप इसको ढक छोड़, और आपका ये 50 दिन 45 दिन 50 दिन के अंदर आपका एक खाद तैयार हो जाएगा। जब ये गमला ऊपर तक भर आएगा तो इसके ऊपर आप मिट्टी की एक लेयर बिछा देना, और उसके बाद उसको छोड़ देना 40-45 दिन के लिए। भरने के बाद 45 दिन में अपने आप ही मिट्टी इज़ द बेस्ट डिकम्पोजर, केंचुए से ज़्यादा काम करता है मिट्टी। मिट्टी के अंदर दबी हुई कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा जल्दी सड़ और गल जाती है, तो इसलिए मिट्टी बेस्ट डिकम्पोजर है। इसके ऊपर पतली सी लेयर चढ़ा देंगे, इसको भरने के बाद इसके ऊपर मिट्टी की लेयर चढ़ा देंगे, और ये 40-45 दिन के अंदर अंदर आपका खाद बनकर तैयार हो जाएगा।